आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। सब बच्चों को आता है, किसको नहीं आता है? हम उनको सिखा देंगे आज। हाथ खड़े करके हम सिखा देंगे नमोकार मंत्र। तो रात को सोने के पूर्व में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और क्या नियम लेकर के सोना कि जब तक मैं सो रहा हूं के लिए मेरा अन्न का त्याग, भोजन का त्याग रहे। इतना नियम तो बहुत इजी है कि डिफिकल्ट है? आसान है ना। सोते समय अपने त्याग करना है, जब रात को सोते रहो तब त्याग करना है। कितने घंटे सोते हो आप लोग? 7 आवर्स। 8 घंटे के लिए आपका त्याग हो जाएगा। 24 घंटे में से 8 घंटे आपका त्याग हो गया, यानी 33% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लाभ क्या होता है? यदि सोते समय अपने त्याग कर लिया, उस समय जो कर्म बनेगा वो पुण्य कर्म बनेगा, अच्छी क्वालिटी वाला कर्म वो हमारे जीवन में बनता है। अब इस समारोह का नाम जो है सम्यक दर्शन संस्कार समारोह, यानी सम्यक दर्शन को प्रारंभ करने के लिए, और उसकी शुरुआत होती है बच्चे लोग सवेरे उठ करके जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में एक प्रेयर होती है कि नहीं? अब सभी बच्चों को एक प्रेयर जो है लर्न करना है, याद करना है। आपके पास फोल्डर है, एकदम से याद नहीं होगी, पहले रोज देख देख करके पढ़ना है। और उस स्तोत्र का नाम कौन सा स्तोत्र है पढ़ते बन रहा है आपसे? ऊपर इधर देखो, हमारी तरफ देखो, आचार्य की जहाँ फोटो है उसके बाजू में एक स्तोत्र लिखा हुआ है संस्कृत में, क्या नाम है उसका? सरस्वती स्तोत्रम। सरस्वती स्तोत्रम। सरस्वती किसे कहा जाता है? जिनवाणी को, ज्ञान को। जब आप स्कूल जाते हैं वहां पे सरस्वती की पूजा होती है कि नहीं? सरस्वती यानी क्या? तो जो बच्चे अपने नॉलेज ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे विशेष रूप से अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सीख जाना, और जब रोज आप इसका डेली पाठ करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, आपको उच्चारण करना है, ध्यान से सुनना। जब हम बोलेंगे एक लाइन उसके बाद आपको पढ़ना है। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः। पढ़ो। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः, तस्मात् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। पढ़ो। तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती।
श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना, बोलो श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना, भारती बहुभाषिणी, भारती बहुभाषिणी, अज्ञानतिमिरं हन्ति, अज्ञानतिमिरं हन्ति, विद्या बहुविकासिनी, विद्या बहु विकासनी। सब लोग स्तोत्र को देखो, अपने अपने फोल्डर में देखो, इधर हमारी ओर नहीं देखो। सबके पास फोल्डर है ना ये वाले? किसके पास नहीं है हाथ खड़े करें जल्दी से, वहां तक पहुंचा दी जाएंगे। जिनके पास नहीं है और एक्स्ट्रा फोल्डर है तो माताओं को भी दे दो थोड़े से। सब इसमें देखो, सब फोल्डर में देखेंगे। बैठ जा बेटा सीधा। पीछे जो माताओं को भी दे दो एक्स्ट्रा फोल्डर है तो, हाँ तो वो भी दे दो। जिनकी बच्चियां बच्चे नहीं आए घर में जा करके, और आप ही लोग पाठ करोगे तो आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी, थोड़ा विवेक जागृत हो जाएगा। हाँ, तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ना है, पढ़ो। सरस्वती मया दृष्टा, सरस्वती मया दृष्टा, दिव्या कमल लोचना, दिव्या हंस स्कंद समारूढ़ा, हंस स्कंद समारूढ़ा, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी। सभी बच्चों को उच्चारण करना है, प्रथमम भारती नाम। बोलो बच्चे लोगो, प्रथमम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती। सभी बच्चे बोलो, प्रथमं भारती नाम, प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ हंस गामिनी। पढ़ो बच्चे लोगो, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा, कुमारी सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी। देखो यहां पर ये नाम आ रहे हैं सरस्वती के, उसमें आठवां नाम क्या आया है? ब्रह्मचारिणी। यानी जो बच्चे जब तक पढ़ाई करते हैं, ध्यान से सुनना, जब तक बच्चों की स्टडी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब तक वह तब अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं जब वह ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बन करके रहते हैं। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या? तो बच्चे लोग, लड़के लोग लड़कियों से गलत दोस्ती नहीं करेंगे, और लड़कियां लोग लड़कों से गलत दृष्टि से दोस्ती नहीं करेंगे। इसी का मतलब हो गया ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। जब ऐसे नियम लेकर के आप पढ़ाई करते हैं तो वह ज्ञान बहुत आपके भीतर प्रवेश करता है। हाँ, छठवें नंबर का श्लोक, नवम च जगन्माता, पढ़ो। दशमं ब्राह्मणी तथा, एकादशं तु ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशम, पंचदशम च श्रुतदेवी, षोडशम गौर निगद्यते। तो ये सरस्वती के कितने नाम हो गए? 16 नाम हो जाते हैं। षोडश ने 16 नाम उस ज्ञान के सरस्वती के हो जाते हैं। अब आठवें नंबर का श्लोक, एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य संस्तुष्यति माता,
शारदा वरदा भवेत। देखो आठवें नंबर का जो श्लोक क्या आया था, एतानी श्रुत नामानी, यानी ये जो श्रुत के सरस्वती देवी के जो नाम है, प्रातः उत्थाय यह पठेत, जो व्यक्ति जो बच्चा सवेरे सवेरे, प्रातः मतलब मॉर्निंग के पीरियड में, प्रातः काल में उठकर के जो पढ़ता है बच्चा अथवा वो बच्ची, वो कैसा हो जाता है, वह शारदा की भांति हो जाता है, यानी शारदा जिनवाणी का उसके ऊपर वरद हस्त आशीर्वाद मिलता है और वो ज्ञान में बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसा बच्चा फिर जो भी पढ़ाई करना चाहे, दसवीं के बाद, बारहवीं कक्षा के बाद, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, चाहे वकील बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, तो उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है। सबसे लास्ट नंबर का श्लोक, इसको तो अच्छे से याद कर लो, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। जब भी आप रोज स्कूल का कोई विषय लर्न करने के लिए बैठते हो, बुक खोलो अथवा नोटबुक खोलो, पूरा श्लोक ना भी पढ़वाओ तो अंतिम की दो लाइन अवश्य पढ़ना, इसको पढ़ करके फिर याद करने की कोशिश करना। हाँ, तो ये लास्ट नंबर का, नौवे नंबर का श्लोक, इसको अच्छे से याद कर लेना सारे बच्चे लोग। क्या? सरस्वती नमस्तुभ्यम, यहाँ नीचे भी श्लोक लिखा है, इधर देखो थर्ड पैरा, थर्ड पेज में ना, यहाँ पे नीचे लिखा है सरस श्लोक नंबर, यहाँ पर भी इसको याद करना है, लास्ट में दो लाइन है ना, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी नहीं वही विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ये जो है सरस्वती स्त्रोत्र, सभी बच्चों को डेली स्नान नहाने के पश्चात सर्वप्रथम इस स्त्रोत्र का पाठ करना है, फिर बाद में आप सारे काम शुरू करो। रोज करोगे तो आपकी जो है मेमोरी बहुत बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? तो अपने कौन कौन से नियम हो गए, डेली प्रतिदिन मंदिर जाना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, और रात में सोते समय अन्न पानी यानी भोजन का त्याग करना, और इसमें एक चौथा नियम है, पानी छान कर पीना। जो कोई नहीं पालन करता है, ना बच्चे पालते हैं ना बड़े पालते हैं। अब पानी कैसे छानोगे, तो उसके लिए छन्ना चाहिए, और वो छन्ना मोटा वाला, तो वो हथकरघा का स्टॉल लगा है, वहां से सारे बच्चे सारी महिलाएं जो है कम से कम छन्ना अवश्य लेकर के जाना, क्योंकि आप क्या पानी छानने का छन्ना ही नहीं रहता है, वो छन्ना रहता है धोती बराबर छोटा सा ऐसा पतला सा, तो जब आप छानोगे तो बच्चों में आदत डलेगी, तो जब भी पानी पियो तो पानी छान करके पीना है। ठीक है, चलो आगे, प्रदीप भैया आ गए, प्रदीप भैया अभिषेक हुए नहीं, अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम लाम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय सम हम झ्वीम झ्वीम हम सह स्वाहा वस्त्रम रात्रम पवित्रम कुरु क्रोश। चलिए भैया, भैया ऐसे नहीं, क्या कर रहे हो भैया, अंजुल भैया क्या है ये,
आपसे ही तो उम्मीद नहीं है मुझे ऐसी। ओम छूम फट किरिट किरिट घात घात बच्चों से ओम बोले बोलो ओम ओम जी एक मिनट ओम छूम फट किरिट किरिट घात घात पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्त्र खंडान गुरु गुरु पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान भिन्न भिन्न शाम छह वाह वाह हूँ फट स्वाहा। चलिए सब पे करिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा रक्षा मंत्र इनके लिए, इनके जीवन की रक्षा के लिए दिया गया है। हाँ ठीक, चलिए अब सूत्र बांध देंगी कुछ महिलाएं आ जाएं, बच्चियों को आप रक्षा सूत्र बांध दें, कुछ पुरुष वर्ग उठ के आ जाएं ताकि बच्चों को रक्षा सूत्र आप बांध दें, ताकि इन बच्चों को आप बांध दें। आ जाओ खड़े होकर, पुरुष वर्ग आ जाओ जल्दी से, बच्चों को खड़ा नहीं होना है। अपनी अपने शंकाओं का समाधान करें। बोलिए सत्रमणि आचार्य विद्याचार्य की महाराज की, बोलिए परम पूज्य वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। तुम सब की है क्या अभिलाषा, तुम सब की है क्या अभिलाषा, बाकी समाज का लो नहीं लो कोई जरूरी नहीं है, पूरा पंच कल्याण से कोई मतलब नहीं, जब महाराज जी मंच पर प्रोग्राम पूरा।